वंदे तो सव सिद्धे धुवमल मनोवमंगलिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिलुमो सुद केवली भलिदं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सारजी ग्रंथराज में निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों की अद्भुत चर्चा हो रही है। किसी अन्य शास्त्र में इतनी सुंदर चर्चा देखने को नहीं मिलती। अभी तक 5 अंगों की चर्चा हो गई। पिछली ज्ञानशाला में आपने अमूल दृष्टि और उपगुहन अंग की चर्चा सुनी। आज 6ठा अंग है स्थितिकरण, आज उसकी चर्चा होगी। गाथा नंबर 249 निकालिए। ओम अगम गच्छन्तम् शिवमग्गे जोठवे दिया पाणम् सोठिदि करणेन जुदो सम्मादिट्ठि मुणे दवो उम्मग्गं गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवेदियापाणं सोठिदि करणेन जुदो सम्मादिट्ठि मुणे दवो उम्मग्गं गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवेदियापाणं सोठिदि करणेन जुदो सम्मादिट्ठि मुणे दवो। आइए शब्दार्थ समझते हैं। उम्मग्गम उन मार्ग में, गच्छन्तम जाते हुए, जो अपाणम अपनी आत्मा को शिवमग्गे शिव मार्ग में ठवेदि स्थापित करता है। कोई मुनिराज हैं और किसी कारणवश वो उन मार्ग में चले जाएं, अपने पथ से थोड़े हट जाएं, तब उनको ऐसी अपनी आत्मा को उस उन्मार्ग से हटाकर जो शिव मार्ग में पुनः लगा दे, उसका नाम स्थितिकरण है। स्थितिकरण अर्थात मार्ग च्युत होती हुई आत्मा को जो पुनः मार्ग में स्थापित कर ले, वह स्थितिकरण है। फिर एक बार देखिए। उम्मग्गम उन मार्ग में, गच्छन्तम जाते हुए, अपाणम अपनी आत्मा को, शिवमग्गे शिव मार्ग में जो ठवेदि जो स्थापित करता है, पुनः सही मार्ग पर लाता है, सो माने वह ठिदिकरणेन जुदो स्थितिकरण से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थ देखें। जो उन मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को शिव मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, अपनी आत्मा को पुनः शिव मार्ग में कैसे स्थापित करेंगे? जो आत्मा शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आ गई है या अशुभोपयोग में आ गई है, उपयोग गलत हो गया है, उस उपयोग से हटा के उस आत्मा को पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे? अपने मन को समझाएंगे, योगाभ्यास के बल से, अपनी साधना के प्रताप से, वास्तविकता का परिचय सोचकर समझकर वे अपनी आत्मा को शुभोपयोग अशुभोपयोग से हटाकर पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करेंगे। ये उनका अपना निश्चय ऐसे स्थितिकरण अंग है। कहाँ भी है देखो। पुरुषा शुद्धिपाय अमृतचंद स्वामी, काम क्रोध बदादिषु चलितु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनम परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम क्रोध मद आदि के कारण
चलयतु, जो आत्मा अपने मार्ग से चलायमान हो रही है उसे पुनः सही मार्ग में ले आना, इसका नाम स्थिति करण अंग है। ये व्यवहारने की परिभाषा है। अन्य को स्थापित करता है द्वारा व्यवहारने का विषय है, और अपनी आत्मा को स्थापित करता है शुद्ध उपयोग में, तो ये निश्चय से स्थितिकरण अंग का विषय बनता है। गाथा 249 का पद्यानुवाद देखें। उन मार्ग पे विचरता मन को हटाता, सन्मार्ग पे नियम से मुनि जो लगाता, वो ही स्थिति करण अंग सुधारता है, संसार से तिरा जग तारता है। इस तरह जो निश्चय से स्थिति करण अंग को धारते हैं वे कभी भी सन्मार्ग से च्युत नहीं होंगे, इसलिए संसार से तिरेंगे और संसार को पार कर मोक्ष प्राप्ति करेंगे। गाथा नंबर 250 देखते हैं, आइए। जो कुण दिव चलतम, जो कुण दिव चलतम, तिलने साहूण मुख मगम्मी, तिलने साहूण मुख मगम्मी, सो वच्छल भाव जुदो, भाव जुदो, सम्मादिट्ठि मुणे दवो, सम्मादिट्ठि मुणे दवो, जो कुल दिव चलतम, तिले साहूण मुख मागम्मी, सो वच्छल भाव जुदो, सम्मादिट्ठि मुणे दवो, जो कुण दिवच्छलतम, तिले साहूण मुख मागम्मी, सो वच्छल भाव जुदो, सम्मादिट्ठि मुणे दवो। एक एक शब्द के अर्थ पे ध्यान दें। जो कुणदि जो करता है, वत्सलतम वात्सल्य भाव प्रीति भाव, किसमें? तिन्ने साहूण मुख मगम्मी, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में। क्या तात्पर्य हुआ? जिसको एक ही चीज प्रिय है, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग, उसका वात्सल्य भाव किसमें है? बस तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग। और वो तीन साधन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिन मुनि महाराज को इनके अलावा और कुछ भी रुचिकर लगता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के ये साधन रूप हैं, इसीलिए तो मुनि बने हैं इस कारण। सो वह वत्सल भाव जुदो, वात्सल्य भाव से युक्त, सम्मादिट्ठि सम्यक दृष्टि मुणे दवो, जानना चाहिए। फिर एक बार जरा देख लें। जो कुणदि वत्सलत्थम, जो करता है वात्सल्य भाव प्रीति भाव, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में, अर्थात जो तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव करता है, जिसका मन केवल उसी में लगा रहता है, मेरे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में कोई दोष न लग जाए, कोई कमी नहीं हो जाए, मैं हमेशा निश्चय रत्नत्रय में लीन रहूं, मैं हमेशा शुद्ध उपयोग में रत रहूं, ऐसा वात्सल्य भाव रखता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ऐसे महामुनि महाराज जो निश्चय रत्नत्रय में हैं, वे निश्चय से वात्सल्य अंग के धारक हैं। अर्थ देखिए। जो आत्मा तीन सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव से युक्त है, उसे सम्यक दृष्टि
वीतराग सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, गाथा में तीन शब्द आया है, उसका अर्थ तिरत्नत्र लगाएं या तीन प्रकार के साधु लगाएं? आपका तात्पर्य है आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तिलने इसमें लगाना चाहिए, शायद आपका ये तात्पर्य है। लेकिन जरा विचारो, यहाँ निश्चय नए से वात्सल अंग का स्वरूप है, ये किस पे लागू होता है? अपनी आत्मा पे। अगर वह साधु, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीन प्रकार के साधुओं में वात्सल्य भाव रखेंगे तो व्यवहार नए से वात्सल्य अंग का स्वरूप हो गया, क्योंकि आचार्यों ने वात्सल्य भाव में लिखा है धर्म और धर्म के धारकों के प्रति वात्सल्य भाव होना, लेकिन वो व्यवहार ने का विषय है, ये निश्चय ने का विषय है। तो अपनी आत्मा, ये आत्मा किस में प्रीति माने, ये आत्मा किस में लगी रहे? रत्नत्रय धर्म में। इसलिए तीन प्रकार के साधु लगाना, इस शब्द का अर्थ उचित नहीं बैठेगा। यहाँ तो यही लगाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अर्थात निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा में, निश्चय रत्नत्रय में जो आत्मा परम वात्सल्य भाव रखती है, निरंतर उसको और विशुद्ध बनाने का निरंतर भाव रखती है, जिसको उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, वह निश्चय से वात्सल्य अंग का स्वरूप है। पंडित जी, व्यवहार ने से वात्सल्य अंग का क्या स्वरूप माना जाए? छेड़ालाकार लिखते हैं धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, अर्थात साधर्मियों के साथ एकदम निस्वार्थ भाव की प्रीति होनी चाहिए। प्रीति कैसी? ये साधर्मी है, बस इस भाव की प्रीति निरंतर जिनके रहती है वो व्यवहार ने से होते हैं। आचार्यों ने और भी लिखा, समतभद्र महाराज लिखते हैं स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। अपना जो यूथ माने समूह है, अपने धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके पास, उनसे बड़े सद्भाव, उनको अपना मानते हुए बिना किसी मायाचारी के हर तरह से उनका सहयोग कैसे हो, ऐसा निरंतर विचार बनाए रखना। वात्सल्य भाव का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे आगरा में एक सज्जन कपड़े का काम करते थे, रात को अचानक शॉर्ट हो गया और उस शॉर्ट के कारण, बिजली के शॉर्ट होने के कारण उनकी पूरी दुकान में आग लग गई। सुबह जब वो सज्जन आए तो पूरी दुकान खाक रखी हुई थी। बड़े रोने लगे क्योंकि उनकी वही संपत्ति थी। लेकिन समाज वालों ने क्या किया, जैन समाज थी, उन्होंने क्या किया, चार पांच जो बड़े अधिकारी थे, मुखिया थे, वो आए और उनसे बोले भैया रो मत, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया? उन्होंने कहा मेरा 6-7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, कल आपके पास 8 लाख रुपए आ जाएंगे, ठाट से दुकान को सही कराना। ये है वात्सल्य भाव। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो सबसे पहले इंटरव्यू में अपनी बिरादरी वालों को, जैन वालों को प्रथम स्थान देते हैं, ये है वात्सल्य भाव। हम वात्सल्य भाव की केवल बात नहीं करें, वात्सल्य भाव को जीवन में उतारें भी, अपनाएं भी, तब तो बनेगी। ये है व्यवहार ने से वात्सल्य भाव, साधर्मी के साथ स्नेह भाव होना। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, गाय बछड़े की तरह। ये गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? गाय बछड़े को कितना प्यार करती है, लेकिन बछड़ा कभी गाय के कोई काम नहीं आता, निस्वार्थ भाव से प्रीति है। इसलिए हम किसी के साथ वात्सल्य भाव रखें, अपने स्वार्थ बस नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर ऐसा करेंगे ना, तो व्यवहार ने से वात्सल्य अंग माना जाएगा। हम गृहस्थी हैं, हम निश्चय ने के वात्सल्य अंग की बात तो कर नहीं सकते। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, आज समझ लिया है, कभी बड़े भाग्यवशात अगर मुनि बनने की नौबत आई,
और अगर शुद्ध उपयोगी कभी बने मान लो तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ भी निश्चय से आठों अंगों का पालन हो और आठों अंगों का पालन करेंगे। और जब तक अभी घर गृहस्थी में है तब तक वात्सल्य अंग पर हमें निरंतर चिंतन रखना चाहिए। साधर्मियों के साथ बहुत वात्सल्य भाव रखें और निस्वार्थ भाव रखें। पंडित जी इससे लाभ क्या होगा? आचार्य जयसेन महाराज ने जब इस गाथा की टीका लिखी तब उन्होंने इस बात पर भी विचार किया इससे क्या लाभ होगा। उन्होंने बोला किसी के साथ अगर वात्सल्य भाव नहीं रखोगे, हम निश्चय रत्नत्रय की अपेक्षा बात करें, अगर कोई मुनिराज है निश्चय रत्नत्रय के प्रति वात्सल्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो शुभोपयोग में आ जाएंगे, आश्रबंद होने लगेगा, अभी तक ज्ञानी थे अब अज्ञानी कहलाएंगे। यदि हम गृहस्थ हैं अगर मान लो हम साधर्मी के साथ वात्सल्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा, साधर्मी के साथ अवात्सल्य भाव रखने के कारण जो कर्म बंध है वो होने लगेगा। क्यों, आप तो साधर्मी के साथ द्वेष भाव रखते हैं, कर्म बंध होगा। इसलिए अवात्सल्य भाव के कर्म बंध से बचने के लिए हम गृहस्थियों को भी साधर्मियों के साथ वात्सल्य भाव रखना चाहिए। मुनि महाराज तो वात्सल्य भाव में कितने लीन रहते हैं कि रंच मात्र भी अन्य कोई विचार मेरे मन में न आ जाए, उसके साधनों से भी दूर रहते हैं, निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि मैं अपने स्वात्मानंद में डुबकी लगाता रहूं, और उसमें जो उन्हें आनंद आता है उसको तो वो ही जाने, लेकिन जब आचार्य कुंद महाराज ने आनंद का वर्णन किया है वो भी अद्भुत है। हमको पढ़ना चाहिए और भाव बनाना चाहिए ऐसा आनंद हमें भी प्राप्त हो। गाथा 250 का पद्यानुवाद देखें। ज्ञानादि रत्न तियों में शिव पंथियों में वात्सल्य भाव रखता मुनि पुंगवों में माना गया समय में समदृष्टि वाला वात्सल्य अंग अवधारक शांतशाला। माना गया समय में, समय माने शास्त्रों में, शास्त्रों में ऐसे मुनि महाराज को समदृष्टि वाले अर्थात अभेद रत्नत्रय वाला कहा गया है। वे वात्सल्य अंग के धारक अत्यंत परम शांत मुनिराज होते हैं और उनका सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन होता है। जय जिनेन्द्र।